हेलो, हाय, आई एम डी डी सावंत फ्रॉम जे टी आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नासिक। टुडेज टॉपिक विच आई हैड सिलेक्टेड दैट इज ए जोहा इन राजस्थान। आजकल जो है पानी का बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, इसके ताल्लुक से जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है राजस्थान में जैसे या महाराष्ट्र में और अदर स्टेट्स में अगर देखा जाए तो पानी के ताल्लुक से जो समस्या, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसके ताल्लुक से। अभी जैसे ये अमरेला है और ये अमरेला को अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऊपर से पानी आ रहा है, जमा हो रहा है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो फ्रेश वाटर अगर देखा जाए तो बहुत ही कम होते जा रहा है, सप्लाई फ्रेश वाटर इज़ वेरी लिमिटेड। और ये जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो अनइवन हैं, ये महसूस नहीं कर सकते। सो सरप्लस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर, पानी जो पानी की किल्लत, पानी कम यानी बारिश कम होती जा रही है। और आजकल जो है जैसे रिसोर्सेज के बारे में अगर देखा जाए तो इट इज़ इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। और ये जैसे एक्सपीरियंस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर अगर देखा जाए तो बहुत ही कम इस धरती पर है। और ये जैसे आबादी बढ़ती जा रही है उसके ज़रिए पानी का एक्सप्लॉइट हो रहा है, इस्तेमाल होते जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल लगभग तकरीबन जो है तो 85 मिलियन सालाना जैसे होता है। और अवेलेबिलिटी अगर देखा जाए इस फ्रेश वाटर की, ये बहुत ही रैपिडली जो है तो डिक्रीज़ होते जा रहा है। देखो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ में जो पानी इस्तेमाल होता है वो 20 से 25 फीसदी फ्रेश वाटर जो है तो सप्लाई होता है। और पूरे वर्ल्ड दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ जैसे बढ़ रही हैं और उसका रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही वास्ट है। और इसके ज़रिए सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर अगर देखा जाए फ्रॉम ये स्ट्रीम्स के ज़रिए बोलो एवियल्स से अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्रीज़ की वजह से वेस्ट वाटर नदियों में, तालाब में या जो है तो अभी वे में भी जो है तो दिखने लगा है। सो अंडरग्राउंड वाटर के बारे में अगर देखा जाए या लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में या ओशंस के ताल्लुक से, तो ये पानी जो है, जो वेस्ट वाटर है, जो पोल्यूटेड वाटर है, ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। और यही जो है तो पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको फिल्टर किया जा रहा है और वही समंदर में जाके मिलता है। इस तरीके से जो है तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर विच इज़ बीइंग गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। और इस तरीके से जैसे इरिगेशन के ताल्लुक से हो, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ख़ासतौर से जो है तो 60 से 70 फीसदी जो है तो पानी इंसान इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारा पानी इस्तेमाल हो रहा है। सो डिमिनिशिंग ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ द अलार्मिंग रेट।
आने वाले दौर में जो है तो बहुत सारी समस्या यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। देखो जो है तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं नाइल के ताल्लुक़ से या गंगा के ताल्लुक़ से, ये तो पेरिनियल रिवर्स है, साल भर बहती है, तो भी जो है तो इन नदियों का पानी अगर देखा जाए तो वो पोल्यूटेड होते जा रहा है। और ये इस ग्लोबलाइजेशन में अगर देखा जाए तो जैसे डीफॉरेस्टेशन एक बड़ी समस्या लेकर आ रहा है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ वेटलैंड जो है तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। ह्यूमिडिटी जहाँ बढ़नी चाहिए, अगर ये फॉरेस्ट अगर कटिंग अगर होती है और पहाड़ी इलाका जैसे रिलीफ फीचर्स अगर देखा जाए तो वो अगर ड्राई अगर होते हैं, सूखे अगर होते हैं, तो जाहिर सी बात है वाटर पर्कुलेशन जो है बड़ी समस्या आने वाले दिनों में आने वाली है। इसीलिए जो है तो डिप्लीटिंग सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर विल बी रिड्यूस, मतलब जो है तो पानी जो फ्रेश वाटर है, जो प्योर वाटर है, उसका जो रेशियो है वो कम होने वाला है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अर्बनाइजेशन जो है तो बढ़ रहा है, सिटीज़ बढ़ रही है और बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है तो ये नदी के किनारे जो है तो बसी हुई है, और ये पूरा ड्रेनेज से पानी जो है इस्तेमाल किया, पानी डोमेस्टिक वाटर जो है, ये ख़राब पानी ये ड्रेनेज से नदी में जाता है, और यही पानी जो है तो डैम्स में जमा होता है, जहाँ पे नदी में जैसे डैम्स बने हो या तालाब बने हो या छोटे छोटे टैंक्स अगर बने होंगे तो वहाँ पे जैसे ये पानी जमा होता है वही जो है तो पीने के लिए बोलो या डैम्स ये अपने खेती के लिए बोलो या जानवरों को पीने के लिए बोलो, ये ख़ास तौर से जो है तो इस्तेमाल में ला रहे हैं। और इससे जो है तो एनवायरनमेंट हमारा जो है तो ये डैमेज होते जा रहा है। सो यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स के ताल्लुक से बोलो, एनवायरनमेंट के ताल्लुक से बोलो, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है ये खेड़े पाड़े में जैसे विलेजेस में ये पानी इस्तेमाल होता है। देखो ये जो है पानी जैसे इस छाता में जमा होता है, फिर उसके बाद जो है तो इस लड़की के पीछे जो है तो एक बकेट लटका हुआ है और पानी के ये नल के ज़रिए जो है तो पानी नीचे आता है, तो कलेक्शन ऑफ वाटर शुड बी डन विद सच प्रोसेसेस। अम्ब्रेला मतलब क्या है, एक छाता हमारे लिए धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर जो है वो एक हमारा छाता है, और छाते में जैसे इन्हें पानी अगर जमा अगर है या इस धरती पर अगर वाटर टेबल अगर है, वही जो है तो हम स्टोर करके रखेंगे, वही इस्तेमाल में लाएंगे, और वही जो है तो इस तरीके से अगर रिचार्ज अगर होता है तो बहुत दिन तक उसका पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये सिस्टम जो है यहाँ पे ये नई सिस्टम तो है नहीं, ये पुरानी सिस्टम है, पुराने लोग भी जो है तो ये इस तरीके से जो है तो ये खुदाई करते थे, जैसे ड्रिलिंग होती है वगैरह जो है, तो ये हरप्पन का जो है तो रन ऑफ कच्छ का जो है तो एग्ज़ाम्पल लिया गया है, और यहाँ पे जैसे डम किया गया, ये खुदाई की गई और ये स्टेप्स के ज़रिए जो है तो पानी एक जगह जमा होता है, इस तरीके से जो है तो लोग इस पानी का इस्तेमाल पहले लोग करते थे, और आज जो है ऐसे डंपिंग जो है तो जहाँ पे पानी जमा होना चाहिए और ऐसे जो नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसको ही हम ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको कॉन्जर्व करना बहुत इसेंशियल है। देखो यहाँ पे इस इंडिया में ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है तो हो रहा है, यहाँ पे कई जगह जैसे
हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो दिखाई दे रही हैं, जो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर जो है तो नीचे अरुणाचल प्रदेश तक जो है तो ये माउंटेन रेंज है। और यहाँ पे जो है तो फ्लड प्लेन्स है या नदियाँ है, जैसे कि बड़ी नदी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा और बहुत सारी जो है तो सब ट्रिब्यूटरीज भी है। और यहाँ पे इस इंडिया का अगर एग्जांपल अगर लेते हैं तो वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में जैसे रिलीफ फीचर्स है, माउंटेनियस रीजन्स है, यहाँ से पानी जो है तो ऊपर से नीचे आता है, दोनों साइड में जो है तो समंदर है, और यहाँ से जो है तो ये वाटर साइकिल जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं वो सर्कुलेट हो रही है। इस तरीके से जो है तो ये एनर्जी कंजर्व करना या वाटर कंजर्व करना ये बहुत बड़ा ये रिसोर्स हमारे लिए काम में आ सकता है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये टेक्निक जो है ये जिन्होंने लाई है ये प्रैक्टिस हर जगह होनी चाहिए, इसके ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। ये तो बहुत सारे जगह बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है तो इसके अप्लाई किया जा रहा है। और ये कलेक्टिंग ऑफ वाटर क्रिएटिंग ए स्मॉल पॉन्ड इन ए सॉइल सरफेस, देखो जो है तो पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ों का क्या मतलब है या फॉरेस्ट का क्या मतलब है, प्लांट किस लिए लगाना चाहिए, वेजिटेशन किस लिए होना चाहिए, फॉरेस्ट किस लिए होना चाहिए, तो इसके ताल्लुक से अगर देखा जाए या सॉइल जो है जो मिट्टी है या रेत है वो क्यों होनी चाहिए, क्यों जो है तो खेती करते समय जो है तो उसमें हम सॉइल देखते हैं या मैन्यूअर सम डालते हैं या जो है तो उसके अंदर फर्टिलिटी है या नहीं वो क्यों देखते हैं, पानी का पीएच जो है तो देखा जाता है। इस तरीके से जो है तो ये सारा ये जो स्टडी किया जा रहा है या उसको जो बचाया जा रहा है, मतलब जो है तो इसका मतलब जो है तो ये हमारे लिए एक बड़ा रिसोर्स है और इसी के ज़रिए जो है तो ये सब सर्कुलेशन जो है ये पानी का आना, उसका इवेपोरेशन होना, ये कंडक्शन होना, कॉन्वेक्शन होना, क्लाउड्स फॉर्म होना, बादल जैसे फॉर्म होते हैं उसके ज़रिए जो है तो पानी नीचे बारिश होती है, तो ये सब सिस्टम जो है ये सिस्टम बरकरार रहना चाहिए, उसके लिए जो है तो ये पहाड़ों पे जो है तो दरख्त होना बहुत ज़रूरी है, पानी का जमा होना बहुत ज़रूरी है, और इसके ज़रिए जो है तो ये इवेपोरेशन होना, फिर उसके बाद जो है तो बादल का बरकरार रहना, और उसके बाद जो है तो बारिश जैसे आती है, ये साइकिल जो है इसको बोलते हैं वाटर साइकिल या इसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये साइकिल जो है कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये टोक्यो में इस्टेब्लिश की गई थी, उस दौरान जो है तो उन्होंने ये प्रैक्टिस जो है उन लोगों ने की। और आपको तो मालूम है इज़राइल जैसे एक कंट्री, ये तो डिज़र्ट कंट्री है, और इन्होंने भी जो है तो एक इन्होंने ये रिसाइकल का जो है तो एक प्लांट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, और 2000 में इन्होंने जो वेस्ट वाटर है उसको जो है तो प्यूरिफाई किया और फ्रेश वाटर में तब्दील होने के बाद जो है तो इसको इस्तेमाल में लाया, और किस तरीके से जो है तो ये पानी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये बड़ा हमारे लिए एक बड़ा एग्जांपल सामने लेकर आए। तो इस तरीके से जो है तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर ये बहुत बड़ा इशू हमारे लिए है। देखो ये जो है तो जैसे हमारे इंडिया में राजस्थान में ज़ोहाद एक जैसे प्लेस, ये सेमी एरिड रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, और यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन अगर देखा जाए तो वो बहुत ही डिट्रॉइटिंग
पोजीशन थी ब्रिटिश ज़माने में जो है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ खदानें जैसे इन्हें बनी थी और यहाँ का जैसे यहाँ के लोगों ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे जो है तो लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर जो है तो ये बड़ी समस्या लेकर आया था। एक्सेसिव ग्रेजिंग वहाँ पे जो है तो लोग जो है भेड़ बकरी पालना, जैसे ये एनिमल्स ये जो जानवर हैं ये पाले जाते हैं और वहाँ पे जो जंगलात तो है बहुत ही कम होने के कारण जो प्लांट्स आते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ये डिस्ट्रॉय होने से जो है तो लॉस ऑफ वेजिटेशन जो है तो यहाँ पे दिखने लगा और ये डीफॉरेस्टेशन होने की वजह से मतलब जो है तो प्लांट्स की कमी होने के कारण यहाँ पे इलीगल लॉगिंग होने के कारण ये सिचुएशन जो है तो सामने उन लोगों को बहुत बड़ी समस्या लेकर आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम जो है ड्रॉट जैसे प्रॉब्लम, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर जो है तो ये प्रॉब्लम। तो क्या है ड्रॉट, क्या होता है? जैसे बंजर ज़मीन, ये ज़मीन जो है वहाँ पे प्लांट जो बारिश के दिनों में आते थे मगर जो है तो ये भेड़ बकरी जानवर जो है तो खा जाते थे। और इस तरीके से जो है तो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर जो है कम होती गया और बड़ी समस्या वहाँ पे पीने का पानी जो है तो एक बड़ा इशू बन गया था। ये 1985-86 में यहाँ पे अनयूजुअली लो रेनफॉल था और ड्रॉट रीजन जैसे हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो राजस्थान या डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलवर में जो है तो ये इन लोगों को बहुत बड़ी समस्या आ रही थी और ये बहुत ही बड़े जो है तो अफेक्ट हुए थे। ये क्रिटिकल पोजीशन में चले गए थे, ना खाने के लिए अनाज मिल रहा था ना पीने के लिए जो है तो पानी ठीक तरीके से मिल रहा था। तो ये डार्क जोन जैसे दिखाई दे रहा था और ये सीवियर कंडीशन ये लोग जो है तो भुगत रहे थे और ये रिस्ट्रिक्शंस जो है तो यहाँ पे इन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर जो है तो सामने आ रहा था। सो फर्टिलिटी जो है इस सॉइल की जो है तो एक्सपोज्ड हो रही थी इन जानवरों के लिए जो है तो जैसे मिट्टी का निकलना, इरोजन होना, ये बड़ा इशू जो है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो 1940 में अगर देखा जाए तो एक राजा हु हैड ओपन द रीजन फॉर लॉगिंग, ही हैड टुक फॉर राजस्थान, ये टाइम उन्होंने निकाला था राजस्थान के लिए और उन्होंने जो है तो ये कहा कि यहाँ पे जो है तो कुएँ बननी चाहिए और इस ये अगर कुआ अगर इस रीजन में ये रिया में अगर नहीं है या ट्यूबवेल अगर नहीं होते हैं तो बड़ी समस्या जो है तो ये यहाँ पे क्रिएट हो सकती है और जो है तो ये विलेजर्स ने जो है तो ड्रिल करना शुरू किया और उससे भी जो है तो बड़ी समस्या जो है तो यहाँ पे क्रिएट होने लगी और यहाँ से लोग जो है तो अपना गांव छोड़ के माइग्रेट होने लगे, कई काम के वास्ते बोलो या वहाँ पे जो है तो अनाज ही नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, अपना गांव छोड़कर जो है तो बहुत सारे लोग दूसरी जगह इंडिया में, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग जो है तो जॉब के वास्ते बोलो या जो है तो ये आते थे 4 महीना रुकते थे फिर उसके बाद जो है तो वापस चले जाते। इस तरीके से जो है तो इन लोगों का ये माइग्रेशन जो है तो शुरू हुआ और जो है तो ये ख़ासतौर से महिला जो है वुमेंस पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना और पानी के लिए जो है तो बहुत सारा उनको जो है तो तकलीफ़ या सफ़र करना पड़ रहा था। ये राजस्थान में सस्टेनेबल सिस्टम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह ही वाज ये प्रोफेशन एज अ डॉक्टर
ये डॉक्टर थे, उनका प्रोफेशन जो था तो डॉक्टर की का था। उन्होंने जो है तो एक अभियान लेकर लाया, और ये जो है तो ये अभियान उन्होंने जो इस जोहाद जिले विलेज में एक गांव में खेड़े गांव में जो है तो ये अपनाया, और उससे जो है तो उन्होंने ये देखा कि जो है तो ये स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत, पानी की कमी, ये जोहाद के लिए बड़ी समस्या जैसे बन सकती है। और अगर समझ लीजिए फॉरेस्टेशन, अगर फॉरेस्ट या प्लांट्स अगर लगाते हैं तो उससे जो है ये हमारा जोहाद जो है तो बच सकता है। इस तरीके से जो है तो उन्होंने ये प्लान बनाया, गाँव वालों को जो है तो उन्होंने इकट्ठा किया, और इन लोगों को जो है तो 1985 में उन्होंने समझाया कि जो है तो यहाँ पे तरुण भारत संघ एक उन्होंने मेंबरशिप लोगों के ज़रिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है तो बनाई, और ये TBS तरुण भारत संघ जो है तो इसके ज़रिए ये इन लोगों को जो है तो अपने गांव की तरक्की के लिए, अपने ये स्टेट के लिए तरक्की के लिए जो है तो एक डिज़ाइन बनाया, और ये स्ट्रीम्स जो पहाड़ पे से जो स्ट्रीम्स निकलती हैं वो ज़रे जिसको बोला जाता है, और ख़ास तौर से मानसून सीज़न में जो है तो इसको रिज़र्व करना, और इस तरीके से जो है तो जो रेन वाटर है ये परकुलेट हो जाता है, और या उसको रिचार्ज करना, ग्राउंड वाटर जो है तो उसकी अवेलेबिलिटी या टेबल लैंड जो है तो उसको बढ़ाना, किस तरीके से बढ़ाना है, तो इसके लिए सफिशिएंट वाटर सप्लाई जो है तो कैसे बढ़ सकता है, इस ड्राई सीज़न में जो है तो कैसे यानी अवेलेबिलिटी जो है तो हो सकती है, कैसे रुक सकता है, कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस तरीके से जो है तो उन्होंने स्टडी किया, ऐसा मैकेनिज़म उन्होंने तैयार किया, और जो है तो यहाँ पे ये ड्रिंकिंग वाटर लाइफ स्टॉक के लिए, मतलब जो है तो जानवरों के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस तरीके का प्लान जो है तो उन्होंने बनाया। देखो जो है तो ये डेजर्ट रीजन जो है राजस्थान में बारमर है, बीकानेर है, पलोड़ी है, ये स्ट्रक्चर जो है उन्होंने यहाँ पे जो तैयार किया है ये सामने दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे जो विलेजेस है उन्होंने भी इस अभियान में हिस्सा लिया, और उन्होंने भी जो है तो इस तरीके के टैंक्स को तैयार किया था, तो ये वाटर को कैसे, पानी को कैसे होल्ड किया जाएगा, और ये बेडरॉक वगैरह जो है तो वहाँ पे भी पानी रुक सकता है या नहीं, इसके जरिए इसके जो है तो स्टडी किया गया, और वहाँ पे जो है तो प्लांट लगाने का काम या पानी का मैनेजमेंट किस तरीके से करना, इस ये लोगों को जो है तो उन्होंने समझाया, और यहाँ पे 1058 विलेजेस, मतलब जो है तो 1058 विलेजेस ने जो है तो हिस्सा लिया था, और यहाँ पे जो है तो 6000 जोहाद लोगों ने जो है तो यहाँ पे हिस्सा लिया, और इस तरीके से जो है तो इस स्ट्रक्चर को जो है तो उन्होंने ताज़ा किया। और जैसे ये नदी का पानी बोलो या ग्राउंड वाटर बोलो, इसको जो है तो उन्होंने ये गंगा जैसे नदी, जैसे पेरिनियल रिवर हैं, और हम जैसे गंगा को एक हेवन गॉड जैसे मानते हैं, एक देवी जैसे यानी उसकी पूजा करते हैं, उस तरीके से जो है तो यहाँ पे भगीरथ जैसे नदी वहाँ पे है, भसलैन जैसे नदी है, और यहाँ पे इन लोगों ने जो है तो जो इस जैसे नदी जैसे यानी ये पानी को उन्होंने वहाँ पे जैसे यानी बहता हुआ देखा, तो उस दौरान जो है तो उन लोगों को लगा कि जो है तो ये जो प्रॉब्लम था, पानी की समस्या जो थी, इसके लिए जिन्होंने इसका जो है तो अभियान
जिन्होंने चलाया, और उनको जो है तो हम गॉड समझेंगे या उनकी पूजा करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह की जो है तो इन राजस्थानी लोगों ने जो है तो पूजा की और उनको जो है तो भगवान मानने लगे। तो ये एक मिरेकल था उन लोगों के लिए। और ऐसे जो है तो डैम्स जो है तो ये वहाँ के लोगों ने जो है तो तैयार किए। और ऐसे निम्बी कंस्ट्रक्शन जो है तो डैम, अर्दन डैम्स जो है तो बनाए, टीबीएस जैसे इन लोगों ने जो है तो एक ग्रुप ने जो है ये डैम्स बनाना शुरू किया। और वहाँ पे जो है तो उन गांव वालों ने जो है तो वेजिटेबल्स वगैरह या दूध, ये जैसे जानवर ज़्यादातर होने के कारण जो है तो दूध का जो है तो अवेलेबिलिटी जो है तो बढ़ाना शुरू किया। इस तरीके से जो है तो उन लोगों की आमदनी या इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये ग्रोथ होने लगी। और इस तरीके से जो है तो यहाँ पे 375 जो है तो अर्दन डैम्स जो है तो बनाए गए थे। या ड्राई रिवर जो थी तो वो पेरिनियल हो गई। पेरिनियल जो है तो स्वाम में जो है तो मानसून सीज़न में ख़ासतौर से जो है तो ये नदियाँ बहने लगी। और इस तरीके से जो है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ जोहार जो है वो बड़ा। और फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो इन 1986 में गोपालपुरा ये कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे हुआ था। जो जोहात का जो हिस्सा है गोपालपुरा का, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो है तो बनाया गया। और इस तरीके से जो है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ थाउजेंड जोहात जैसे इन्हें थाउजेंड्स ऑफ जो है तो ये ऐसे डैम्स जो है बनाए गए। और इस तरीके से जो है तो इन लोगों को जो है तो बेनिफिट इस जोहात जैसे इन्हें लोगों को मिलने लगा। और फिर से लोग जो है जो माइग्रेट हुए थे वे फिर से अपने गांव आने लगे और अपनी खुद की ज़मीन जो है वो कल्टीवेट करने लगे, अपनी लैंड जो है वो क्रॉप लगाने लगे, खेती करने लगे। और वुमेंस भी जो है तो अपना टाइम जो है अपने खेती के लिए स्पेंड करने लगे। इस तरीके से फेचिंग ऑफ वाटर और हाउसवर्क जो है वो होने लगा। और इन लोगों को राहत मिली और हर घर वालों की जो है तो इन्हें ये अभियान चलाने के लिए बोला गया कि अपने घर के पास, अपने गांव में, अपने खेत में जो है तो जितने हो सके उतने प्लांट्स लगाओ। और फेंसिंग जो है तो अपने घर के पास खेत के लिए जो है तो होना चाहिए। तो ओवर ग्रेजिंग जो है उसको प्रिवेंट करना है, जो भेड़ बकरी जैसे पहाड़ों पे ले जाना या खेत में जैसे इन्हें ले जाना, तो ये ना होते हुए जहाँ पे बंजर एकदम जो जहाँ इन्हें खेती होती ही नहीं ऐसी जगह जो है तो उसको ले जा सकते हैं। मगर पहाड़ों पे ले जाना मतलब जो है तो ये इरोजिव जैसे हो सकता है और इसके ज़रिए जो है तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है वो निकल सकती है। और वहाँ पे जो है तो पत्थर अगर रहेंगे तो खेती करना या प्लांट्स का आना ये नहीं हो सकता। इसीलिए जो है तो इसको अभी ये प्रिवेंशन जो है तो लाए गए। और इस तरीके से जो है तो ये कंस्ट्रक्शन जो हमको इन्हें दिखाई दे रहा है, गांव जैसे इन्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो देखो हरियाली सब तरफ जैसे इन्हें दिखाई दे रही। और ये राजेंद्र सिंह को जो है तो यहाँ पे रोबन मैगसेस अवार्ड जो है मिला था 2001 में। तो इस तरीके से जो है तो ये लीडरशिप उन्होंने जो यहाँ पे इस गांव में की, इसके ज़रिए जो है तो उनका सत्कार हुआ था। और उनको जो अवार्ड मिला है 2001 में वो है रोमन मैग्सेसे अवार्ड। थैंक यू।